अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज अब स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 35। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एरे कमांड क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरे क्या है और पर्पस ऑफ एरे एंड रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेसन में हम एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे और रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे कि होता क्या और इस पर काम कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया, यूनिट्स को सेट किया, इंजीनियरिंग 0.0 इंच, ओके, डायमेंशन को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई इंजीनियरिंग 0.0 इंच एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे, एरे कमांड होती क्या और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपके पास एरे जो कमांड है, यहाँ पे आप देखें एरे के तीन टाइप्स हैं, रेक्टेंगल एरे, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे एंड पाथ एरे। आज हम रेक्टेंगुलर एरे पे काम करेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पोलर एरे पे काम करेंगे और पाथ एरे को हम बाद में देखेंगे जब हम थोड़ा सा काम करेंगे उसमें। हम देखेंगे कि पाथ एरे क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको देखिए पूरा डिस्कस यहाँ पे बता रहा है आपको कि आपने पाथ एरे होता है क्या और इसका फंक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, देख सकते हैं आप, देखिए आपको बता रहे हैं, पोलर एरे क्या है, देखिए तो आपको यहाँ पे फंक्शन इसका दे रहा है क्या, एरे क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो एरे के लिए मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आज मैं आपको रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर डिस्कस करता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे होता क्या है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसने डिफरेंट दिया होगा लेकिन मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि रेक्टेंगुलर एरे होता क्या है। आर ई सी एंटर करता हूँ, एक वैसे रेक्टेंगल में देता हूँ यहाँ पे और यह इस रेक्टेंगल का मैं एक फासला देता हूँ कंप्लीट, इसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, इस कोने से क्लिक करें और आगे लेके जाएं और इसको आप दे दें जी 5 फुट, इसको भी क्लिक करें और आगे लेके जाएं और इसको क्या दे दें 5 फुट, सॉरी कंट्रोल जेड जेड, सेंटर से आप आगे ले जाएं 5 फुट के फासले पे, यहाँ से भी 2 फुट के फासले पे। अब इसका साइज हो गया जी 8 बाय 8 फुट, आर ई सी एंटर, एट द रेट ऑफ 5 फिट कामा 3 फिट एंटर, जेड स्पेस स्पेस ओके। और अब हाँ, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल एरे पे काम करता हूँ और एरे की जो शॉर्ट कमांड है आपको यही एरे मॉडिफाई टूल बार में जाएं और यहाँ मॉडिफाई मेन्यू बार में जाएं और यहाँ पे आप देखें एरे आपको नज़र आ रहा होगा। और रेक्टेंगुलर जो एरे होता है वो कौन सा होता है, उसके लिए आप एरे कमांड लेंगे ए आर वाई, सॉरी ए आर एंटर, ए आर एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। अब आपको कह रहे हैं कौन सा एरे लेना है, रेक्टेंगल एरे लेना है, पाथ या पोलर, तो मैं रेक्टेंगल लेना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आर एंटर करता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरे से मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से यहाँ पे एरे कमांड्स अप्लाई होंगी, आप देख सकते हैं। अब इस एरे में आपके पास देखें आपके पास 4 कॉलम नज़र आ रहे होंगे, 1, 2, 3, 4 कॉलम है, 3 रोज हैं, 1, 2 एंड 3 रोज हैं। इन रो के हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम के बीच में का जो फासला है वो 7 फुट 6 इंच है और आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से डी आई एंटर करके आपको बताता हूँ, 2 फुट और 6 इंच का फासला दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आप देखें तो आपके पास नज़र आ रहा होगा पॉइंट, डिस्टेंस देखें स्टार्ट पॉइंट से लेकर 7 फुट 6 इंच का फासला है, देख सकते हैं 7 फुट 6 इंच का फासला है और यही फासला आपको इस एरे के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा 7 फुट 6 इंच का। टोटल जो फासला आपका आ रहा है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक 22 फुट 6 इंच का आ रहा है। तो डी आई डिस्टेंस देखिए आप देखें
इस पॉइंट तक 22 फुट 6 इंच आ रहा है, और यहाँ पे जब इसे क्लिक करके देखें तो 22 फुट 6 इंच फासला हमारे पास इस पॉइंट से लेकर फर्स्ट पॉइंट से लेकर दूसरे के फर्स्ट पॉइंट तक, लास्ट वाले के फर्स्ट पॉइंट तक ये फासला है। रो हमारे पास 3 है, रो के बीच में जो फासला आ रहा है 4.6 फुट का आ रहा है, देख सकते हैं आप। उसके लिए भी आप इसका लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे देखें, डी आई एंटर करें यहाँ से यहाँ तक, तो देखें 4 फुट 6 इंच का फासला आ रहा है, और यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहे हैं 4 फुट 6 इंच। टोटल जो है वो 9 फिट का फासला आ रहा है, तो उसके लिए भी डी आई एंटर करें। फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट वाले के फर्स्ट पॉइंट तक देखें तो आपको 9 फुट का फासला नज़र आ रहा होगा, और क्लिक करें यहाँ पे तो 9 फुट का फासला है, आप देख सकते हैं। लेवल 1 है यहाँ पे, बिटवीन का लेवल यहाँ पे भी 1 है और 1 है, मतलब ये लेवल आपका यहाँ बराबर है। बेस पॉइंट पे आप क्लिक करें तो आपको बेस पॉइंट ये लग रही है, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगल यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था, ये बेस पॉइंट इसकी है, देख सकते हैं ये बेस पॉइंट थी इसकी। और फिर बेस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बेस पॉइंट इसको दे देता हूँ, तो आप देखें ये बेस पॉइंट इसकी बन गई है। रिप्लेस आइटम पे क्लिक करें तो आप आइटम को रिप्लेस भी कर सकते हैं, मीन आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं सर्कल लेता हूँ, इस आइटम को उसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। और उसके अलावा ये काम हम देखेंगे रिप्लेस, और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे सारी रेटिंग के ऊपर। देखते हैं रिप्लेस आइटम का यहाँ पे फंक्शन देख लेता हूँ मैं, रीसेट एरे पे क्लिक करें तो आप एरे की कमांड को रीसेट कर सकते हैं, और क्लोज एरे पे क्लिक करेंगे तो आपका एरे क्लोज हो जाएगा, और आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके डिलीट कर सकते हैं। अब दोबारा मैं एरे के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर काम कर लेता हूँ, आर ई सी एंटर, एल एंटर, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके। अब मैं एरे को अप्लाई करता हूँ, ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे देता हूँ। अब देखिए हमारे पास एरे यहाँ पे मूव हो रहे हैं, अब हमारे पास ये बेस पॉइंट था, मैं इसको यहाँ पे मूव करना चाह रहा हूँ, मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ। अब ये जो एरे कमांड है इसमें आपने डिस्टेंस बढ़ाना है, डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, एक यहाँ से मैं देता हूँ एरे, ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, राइट एंटर। अब यहाँ पे देखें कॉलम 4 है, तो इन कॉलम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो 4 की जगह आप 8 करें, 8 कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका फासला जो 8 है, 8.1 फासला इनका चेंज हो गया, तो इनका फासला आप कम या ज़्यादा करना चाहें आप कम कर सकते हैं, मैं 6 फासला इनका करता हूँ, तो इनका फासला आप 6 आ गया, वो 6 कहाँ से आया, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक वहाँ पर 6 इंच आया है, लेकिन मैंने इनका फासला 6 6 फुट रखना था, तो 6 फुट आप रख लें, देखिए 6 फुट का फासला आ गया। 6 फुट का फासला क्या होता है, आपका इस पॉइंट से लेकर इस यहाँ तक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आपका फासला 6 फुट होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने किस तरह मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल फिर करके बताता हूँ, डी आई इंटर करता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका फासला 6 फुट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तो आपने कॉलम बढ़ाए,
टोटल जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक 42 हमारे पास फासला है फुट फिट। रो बढ़ाना चाह रहे हैं तो रो में 6 करता हूँ, तो देखिए इसकी रो भी 6 हो गई है, आप देख सकते हैं एरे की रो भी वापस यहाँ पे 6 हो गई है। लेवल 1-1 है, बेस पॉइंट है, जहाँ से आपने बेस स्टार्ट करना है वहाँ से आप बेस पॉइंट ले सकते हैं। एडिट सोर्स है, रिप्लेस आइटम्स हैं और रिसेट एरे, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, तो ये था जी आपके पास ये जो कमांड थी, ये थी एरे की कमांड और एरे का काम कि आपने एरे किस तरह करना है और इस पर काम कैसे करना है। अब इसी तरह आप एरे फॉर एग्जांपल में एक लेता हूँ रेक्टेंगल आर ई सी एंटर, लेता हूँ मैं 10 फुट का, आर ई सी एंटर एट द रेट 10 फिट कॉमा 10 फिट एंटर जेड स्पेस ए स्पेस, और यहाँ पे मैं एल एंटर करता हूँ 5 फुट के फासले पे, एल एंटर यहाँ पे 5 फुट के फासले पे, सी एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल सर्कल लेता हूँ ओके, और या ठीक है अब इसको मैं एरे देता हूँ ए आर एंटर करता हूँ, देखते हैं कोई काम करेगा कि नहीं। राइट क्लिक रेक्टेंगल एरे ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 2 3 ओके सही है, कॉलम 4 नहीं 1 2 3 कॉलम भी मैं 3 करता हूँ, 3x3 हमारे पास आ गया। बिटवीन साइज जो है हमारे पास साइज यहाँ से यहाँ तक 5 का है तो मैं 5 फुट का साइज देता हूँ 5 फिट एंटर, टोटल साइज 10 है देख सकते हैं, और कॉलम को भी मैं यहाँ से साइज देता हूँ 5 फिट, सॉरी बिटवीन 5 में लिखे। रो 3 है और फाइव फिट देता हूँ 5 फिट, रो 1 2 एंड 3 ओके, एक तो ऊपर चली गया ना। अब इसको मैं बेस लाइन फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ मैं, नंबर ऑफ कॉलम 4 है इनको 3 करें, ये इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लें, देखें यहाँ पे बेस लाइन है थ्री, तो देखिए यहाँ पे एक्यूरेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस एरे कमांड अप्लाई हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ओके। तो ये था हमारे पास एरे कमांड का फंक्शन और एरे आप किस तरह यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पोलर एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस एरे कमांड के ऊपर काम करें ताकि आपको बार बार इस पर समझ आ जाए। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, रेक्टेंगल मैंने लिया था एक एट द रेट 10 फिट कॉमा 10 फिट का एक रेक्टेंगल लिया, या फिर मैं लाइन की मदद से लेता हूँ एल एंटर F8 प्रेस करता हूँ 10 फिट एंटर 10 फिट एंटर 10 फिट एंटर 10 फिट एंटर एल एंटर, इसका सेंटर मिड पॉइंट से मैंने एक और लाइन ली
और इसके भी मिड पॉइंट से कोलाइनली एक सर्कल लिया, फिर आर रेक्टेंगल लिया, आपकी मर्जी आप जो भी लें। यहाँ से एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ए आर एंटर किया मैंने, ऑब्जेक्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और रेक्टेंगुलर एरे दिया। 3 बाई 3 का मैं एरे देता हूँ, 3 स्पेस जो इनमें आए 5 फिट के फासले पे आए, और यहाँ से ये भी 5 फिट के फासले पे आए। ओके, और मैंने मिड पॉइंट ये दिया था, यही मिड पॉइंट आप ये बेस पॉइंट इसको उठाएं और यहाँ पे लें, देख सकते हैं हमारे पास एरे एडजस्ट हो गया। तो ये था जी एरे का फंक्शन और एरे की कमांड। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।